तो महापुरुष कहे जे आदा जी रखनी चाहो तो दस दोषा ने त्यागो। आजादी राग बचाओ दस दोषा ने त्यागना पड़ी। महापुरुष कहे दस दोष किसा है, बड़ा प्रेम सुन लो तो आनंद आवे लो। हाँ आपने काम में आवा की बात है सगड़ी है। महापुरुष कहे दस दोष, चार तो बताया बचन का और चार मन का चान ही तन का है शरीर का। तो बचन का किसा है कि झूठ निन्या कठोर तार बाल सा। आदमी ने झूठ नहीं बोलनू, निंदा नहीं करनी और कठोर नहीं बोलनू। और बाल सा कहे कि ज्यादा बोले से काने, थोड़ा ज्यादा ही नहीं बोलनू के ए बचन का अपना दोष लागू है के। और तीन बतावे मन का, खोटी चितमन इंशा और अभिमान, अभिमानी मनु या करे वो भी नहीं करनो के। और तीन बताया महापुरुष तन का, चोरी जारी जीव इंशा है, दस दोष है अन त्यागनो पड़ी। और दस धर्म का अंग है, जन आपने धारण करना पड़ी, अन त्यागना पड़ी, रे धर्म का अंग ने दस बन ग्रहण धारणा पड़ी। धर्म का अंग किसे आया का समय, हर आदमी ने समय करनी कोई जीव पर हने समय इंशा इंशा नहीं रखनी कोई के प्रति गलत भावना, इंशा और दया, दया करनी हर जीव पर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया मत छोड़ जे जबल गट में प्राण, जते शाशा रहवे शरीर में जते आदमी ने दया नहीं छोड़नी के। दया मधु, मर्दु कवे मीठो बोले से कान, आदमी ने मीठो बोलनू के। मर्दु सत्य वचन, यानी कि आदमी ने सांस बोलनू हर टाइम। आप अड़ा स्वार्थ का मायने तो ठीक है, झूठ बोल जावे बस चले को नहीं, आदमी ने हमेशा ही सांस ही बोलनू के। सत्य वचन और तप, तप यानी कोई प्रकार को आप भजन करा, कोई माला फेरा, कोई देवता की सेवा करा, बिन तप कहे तप। और दान, हर प्रकार को दान नहीं करना चाहे, जा आपा ने गौ दान है, गरीब ने है, कोई मुक्त है, भिखारी है, बिन घरों खाली नहीं काटनो के, हजम आवे तो दान करनो। दान और शील, शील यानी ठंडो रहनु आदमी ने, शील संतोष, हर चीज का मायने संतोष राखनो। और तरसना, तरसना नहीं राखनी कोई चीज का मायने का, आज चीज तो आप लेवा ज नहीं हुए के है ना, नशीर में लिक्विडी तो मिल जाया करे, बाकी हाँ कोनी काम आया करे मुकुल तो कराना। ए धर्म का अंग है, अन आपन धारण करना है और बेदस दोष मन त्यागना है। अब सात विषय बताया महापुरुष, दूत, दूत का वे जुआ खेले से कान, दूत मद, मदमाश, मद का वे दारू ने, दूत मदमाश बेरजा और झूठ और पराइनार और अभिमान, ए सात विषय है, ए भी आपन नहीं करना के। जर कहे जे आजादी रखनी चाहो तो दस दोषा ने त्यागो, अरे तन मन बचन सेवा से गुरु भक्ति में लागो। जदा बिगड़ी बात बढ़ेली रे, घर घर माची फूट आजादी किया। आगे और कहीं कहे देखो महापुरुष, अरे अकड़ अकड़ कर आडामती चालो, मन में सोच विचारो, अकड़ अकड़ कर आडा मती चालो, मन में सोच विचारो, ए अकड़ अकड़ करी आडा मती चालो, मन में सोच विचारो। मां पुरुषा की शीख बिन रे भई, जन्म में डूब सी थारो, ए मां पुरुषा की बिने भाई जन्म डूब सीतारो। बरली को करे माँ की खेली रे, घर घर माची फूट आजादी कैया ले,
तेरा मारा मिले मिल सोचो पेली रे घर घर माची फूट आजादी तैयारे लीरे ओ तेरा मारा मिल मिल सोचो पेली रे पेली जी घर घर माची फूट आजादी तैयारे हनुमान की जय हो। महापुरुष के मेरे भाई अकड़ अकड़ कर आडा मती चालो मन में सोच विचारो अरे ये अकड़ाई क्यों मैंने की कौन पिड़ियो हेणा कस राजा ही घणी करी देख लियो फेंगड़ बोलगा अने
अमर हो बतो सौदा वरदान लेवड़ा हा अभी का एक ही काम में को नहीं आयो जर केवे अकड़ अकड़ कर आडा मती चालो मन में सोच विचारो अरे महापुरुषा की सीख बिने वो जन्म डूब सी ठारो अरे भरली तू कुकर्मा की ठेली रे घर घर माची फूट आजादी की चर के वे नेम धर्म नीति मत छोड़ो अपनो धर्म निमाओ नेम धर्म नीति मत छोड़ो अपनो धर्म निमाओ अरे सांस बिने सुधरोला कोनी फिर गोता खाओ आ काया होगी मेली रे घर घर माची फूट आजादी की लादुदासी महाराज कहे लादुदासी सामर्थ मिलगा केणी ओसो केदी अरे खी हुए आजाद जगत में केणी ओसो केदी संसार गमाई ने दुनिया ने जकी लादुदासी महाराज शेन बताई ने बा दुनिया ने वो केदी नी आ कमाई नु चेतन नर ले ली रे घर घर माची फूट आजादी किया जगा समझोड़ा लोग हा जगा तो महापुरुषा का शब्द ग्रहण कर लिया ले लिया फिर अपना आती रहेगा अने जहाँ का देखो आज काम है ना जो कार्य सिद्ध है बाका गुणगान करा आप अमर है वे महापुरुषा का शब्द लिया जगा अने